शी जिनपिंग के दौरे से ठीक पहले चीन ने एक बार फिर भारतीय सीमा में दखल दिया है। चीनी सेना ने जम्मू कश्मीर के लेह से 300 किलोमीटर दूर डेमचोक इलाके में पानी की सप्लाई के लिए निर्माण कार्य पर भारतीय मजदूरों को काम करने से रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना के 25 से 30 ट्रक बॉर्डर पर आए और उन्होंने भारतीय मजदूरों को काम करने की धमकी दी, काम बंद करने के लिए कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नदी से पानी की सप्लाई रोकने की भी धमकी दी। बताया जा रहा है कि चीनी सेना 5 सितंबर 2014 से ही भारतीय मजदूरों को प्रोजेक्ट पर काम करने नहीं दे रही है। बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और इस बीच चीन की तरफ से एक बार फिर से हिमाकत की गई है। सीमा पर भारतीय मजदूरों को काम करने से रोक दिया गया है। पानी की सप्लाई के लिए काम कर रहे थे मजदूर, लेकिन इन मजदूरों को काम करने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि चीनी सेना के 25 से 30 ट्रक आए और इसी में सवार होकर जो जवान थे उन्होंने इन मजदूरों को काम करने से रोका।